अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नैनासोबाद में एक पहाड़ है मेरे घर के पीछे, और इसको वहाँ पहाड़ के आसपास जो लोग हैं उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पहाड़ को डेकोरेट किया है। नीचे की तरफ इन्होंने ज़मीन पहाड़ की जो है वो कैसी हार्ड होती है, तो वहाँ से पत्थर निकलवाना, पत्थर भी बड़े बड़े रॉक्स निकलवाना और फिर उसको साफ करके पौधे लगाना। फिर यहाँ पे ज़मीन भी ऐसी ड्राई होती है, तो मेरी उनसे बात हुई जिनके घर के पास है, उन्होंने कहा तीन तीन चार चार दफ़ा पानी डालना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छी बात है कि ग्रीनरी अपने घर के आसपास ये बैगन के लगाए पौधे। अभी मैं बहुत दिनों बाद गई तो काफ़ी चेंज लगा, एक वीडियो डाली थी मैंने, दो दफ़ा डाली थी शायद बारिश के दिनों में वहाँ की, जब का देखा हुआ था तो आज गई हुई तो देखा इतना माशाल्लाह बैगन भी, वाइट बैगन भी लगाया है और पर्पल वाला भी लगाया है। अब आप ज़मीन देखें कितनी ड्राई है। अपने घर के पास भी उन्होंने माशाल्लाह, अपने घर के आगे तो लगाते ही हैं लोग, लेकिन और बाकी आसपास सजाना बड़ी बात है। माशाल्लाह फूल भी कितने सारे हैं माशाल्लाह आए हुए। अब बाहर का मौसम शुरू हो गया है तो अब चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो मौसम धूप का तो वही रहता है दोपहर में, तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे पौधे लगाए हैं माशाल्लाह से। ये जो बेल ऊपर जा रही है इसको अलमंडे की बेल कहते हैं, और ये जो रेड फ्लावर्स हैं ये ज़मीन पे गमला रखा हुआ है ये यूफोर्बिया है। कांटों से भरा हुआ स्टेम होता है लेकिन फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और जितने इस तरह के सक्यूलेंट वगैरह टाइप के या कैक्टस टाइप के जो होते हैं उसमें जो फ्लावर्स आते हैं तो वो फ्लावर्स बहुत दिन तक रहते हैं, उसमें फ्रेश रहते हैं। आम कल्टीवेटेड प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े जल्दी डल हो जाते हैं, लेकिन ये रहते हैं थोड़े दिन तक, और इनके कलर्स भी थोड़े से अच्छे वाले होते हैं, कैक्टस के अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। ये येलो फ्लावर्स हसीन है, ये सब बैगन लगा हुआ है। इसमें मैंने फोकस करना चाहा, ये बैगन ग्रीन बैगन भी लगा हुआ है इसमें, और ग्रीन बैगन का टेस्ट इतना ज़बरदस्त था माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। इसमें लगे हुए हैं थोड़े से, वो तो पीछे दीवार की तरफ लगा हुआ है। ये अलमंडे की बेल है, पिंक फ्लावर्स जो हैं थोड़े बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, बड़े बड़े पैटर्न्स, हाँ इसका नाम नहीं पता मुझे, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये घर के सामने पहाड़, हमारे घर के पीछे पड़ता है और ये पीछे वाली गली के लोगों के घर के सामने पड़ता है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, ये ऑफिस टाइम की कुछ नस्ल है, इससे मैंने दो शाखें तोड़ी भी थी। एक टाइम पे बहुत सारे ऑफिस टाइम के कलर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होते गए, तो फिर से कोशिश कर रही हूँ कि भी डिफरेंट कलर्स के ऑफिस टाइम लगा लूँ। लगाए हैं थोड़े बड़े नहीं हुए, बड़े हो तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी। मेरे लिए पहाड़ और ये पौधे और बहुत अच्छे अच्छे वाले पौधे लगाए हैं, अच्छे वाले मतलब ये कि जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। चंपा लगा हुआ है, ये
चाइना रोज लगा हुआ है, ये सब एक्सपेंसिव पौधे होते हैं और लगाए हैं लोगों ने माशाल्लाह। बोगेनविलिया लगाया, बोगेनविलिया तो चढ़ जाए तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हो भी सकता है, अल्लाह ताला करने वाला है। हर चीज़ को अगर हम अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ख़ुद कुछ नहीं करना, असबाब करने हैं और फिर तवक्कुल करना है। मेहनत नहीं करेंगे, जैसे कि वाक़ है कि एक आदमी जो सुस्त काहिल था, उसने देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ है और कुछ ज़ख्मी है और कोई परिंदा गिरा और उसने वो खा लिया। उसने कहा ये तो आसान तरीका है, तो मैं भी क्यों ना करूं। वो भी बैठ गया, जब वो भूख से बिल्कुल बेताब हो गया, तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर जाके उसने फिर उठाया कि नहीं, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करें, हाँ मेहनत पे यकीन नहीं रखें, अल्लाह पे ही यकीन रखें कि अल्लाह ताला ही देने वाला है। मेहनत करके भी हासिल होना, ये मैंने पौधे लगाए सामने, लेकिन यहाँ की ज़मीन इतनी ख़राब है, उन्होंने तो माली लगाया है माशाल्लाह, मैंने तो अपने तौर पे लगाए हैं, तो थोड़ा सा भी पकड़ लेंगे ना, ज़मीन पकड़ लेंगे तो सही जाएंगे। अब वो थोड़ा साफ़ थी, अब इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट खुदाई उदाई करवाई है, जिसकी वजह से ज़्यादा पत्थर उत्थर आ गए। तो हमारी तरफ की झाड़ियाँ साफ़ करने के बजाय उन्होंने झाड़ियाँ नहीं साफ की, क्यारी उड़ा दी जो साइड पर बनाई थी, लेकिन अभी थोड़े थोड़े से